अब जतने ग्रीन सिटी वाले हैं भैया, देखा तो वतने ग्रीन सिटी वाले मिल मिल करके सरकारी जमीनन का नहीं छोड़ती हैं, बेचे डाल रहती हैं, सब कब्जा करे लेती हैं। अब एसडीएम साहब आरबंकी में बड़ी कार्रवाई करती हूँ, 3 अक्टूबर का मुकदमा दर्ज होती है। लेकिन देखा तो अभी तक एएसआर ग्रीन सिटी के जो निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, इनकी सबकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हम कहना तरीका आपका बता दें कि मामला जो है नगर कोतवाली क्षेत्र का है, जहाँ पर देखा तो ग्राम दारापुर में 474 और 496 478 ये सब गाटा संख्या जो है सरकारी अभिलेखन में दर्ज है। और कभी ग्राम समाज की जमीन है, लेकिन देखा तो एएसआर ग्रीन सिटी के निर्देशक हो सब बकायदा मिला मिला बेचे डालत रहा है। जो बकायदा भैया निवेशक है के वो बकायदा सरकारी कर्मचारी और अधिकारी है, और का यहू बकायदा बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जो बकायदा पैसा वैसा इन्वेस्ट करी है माँ, उनका सबका भैया एएसआर ग्रीन सिटी वाले अपने झांसे में लेकर के करोड़ों रुपये इन्वेस्ट करवा दी, चाहे राजस्व विभाग के अधिकारी हो, चाहे बकायदा शिक्षा विभाग के हों, चाहे अन्य विभाग के हों, ये सब लोग बेचारे इन्वेस्ट कर दिन। कुछ रिटायर है, कुछ बकायदा वर्तमान के अधिकारी हैं, उनका सबका पता ही नहीं रहा भैया, लगा दिन पैसा। और देखा तो एएसआर ग्रीन सिटी वाले का करीन है, सरकारी जमीनें तक का नहीं छोड़ी है। अब एसडीएम साहब जब बड़ी बड़ी कार्रवाई करती हैं तो उबरी के जो लेखपाल हैं मृजेश बहादुर ईजाद हैं, जाकर के भैया नगर कोतवाली में अप्लीकेशन देती हैं। 3 अक्टूबर का कंपनी के डायरेक्टर विनोद कुमार राय और प्रवीण कुमार राय पर मुकदमा दर्ज हुआ था जालसाजी का और अन्य धाराओं का, लेकिन अभी तक देखा तो कोनो कठोर कार्रवाई नहीं भाई है और ना इनकी गिरफ्तारी भाई है। और यही छोड़ दो भैया, एकएचएम ग्रीन सिटी वाले हैं, इन्हों का अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हम कह लो तनिक आपको यह बता दी, बाकी आपकी कारा कमेंट कर भैया, और प्लाट व्लाट लेने से पहले तनिक सावधान हो जाओ, बाकी दूसरी खबर देख लो। अब देखो भैया राज्य मंत्री सत्येंद्र शर्मा जी के जो पैथरी गांव पर जाती है, युवक भैया संदरा के पास है नसीपुर, वहां पर देखा तो देर शाम का बहुत दुखद खबर सामने आई है और बहुत बड़ी घटना घटित हो गई है। आपका बता दें कि बुधवार देर शाम का एक महिला जो है शौच करे खातिर निकलती है, तब है धारदार हथियार से कोनो उपा हमला कर दिया है। आपका बता दें कि देखो भाई देर रात का शव जो है खेत में पड़ा हुआ मिलती है, बाहर हड़कंप मच जाती है। सूचना मिलते ही मौके पर देखा तो राज्य मंत्री सत्येंद्र शर्मा जी पहुंचाती है, एसपी दिनेश कुमार सिंह जी पहुंचाती है। आपका बता दें कि देखो भैया ऐसा है, अनुसूचित जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वैजनाथ रावत जी, उनका बकायदा पेट्रोल पंप भी यहीं पर पड़ जाती है। आपका बतावा चली कि देखो भैया ऐसा है, पुलिस के अनुसार नसीपुर गांव में जो उन रहे वाले हैं राम सुमिरन, उनकी पत्नी है संगीता, 42 साल उम्र है भैया, घर से देर शाम का निकली रहे और क्या भैया काफ़ी जब देर हो गई तो जाया करके देखा दाखाती हैं तो 10 बजे के आसपास भैया खेत में शव पड़ा मिला था। एक बधार कम मच जाती है। अब सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बाकी आपकी कार कमेंट कर भैया, दूसरा खबर देख लो। अब दुकानदारन में हड़कंप मचा पड़ा भैया, सब इधर उधर भागे लागती है। जैसे खास सुरक्षा अधिकारी का नाम सुना था कि शैलेंद्र प्रताप सिंह जी आ रहे, देखो भैया खड़बड़ खड़बड़ समझने भागती है। हम कह लो तरीका आपका बता दें कि देखो भैया बाराबंकी जिले में ताबड़तोड़ अभियान चलाया जा रहा है और ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। ऐसे मकदमा मुख्य खास सुरक्षा अधिकारी नीरज पांडे के नेतृत्व में खास सुरक्षा अधिकारियों ने दुकानों पर जाकर के छापेमारी की और नमूने भरे। बतावा जाता है कि इसी दौरान दुई दुकानों में कम से कम 80,000 रुपये कीमती 134 किलोग्राम घी का भी सीज किया जाती है और छापेमारी के दौरान दुकानदारों में हड़कंप मचा पड़ा है। बुधवार को खास सुरक्षा अधिकारी अरुण कुमार, शिवा श्रीवास्तव, भगवती प्रसाद, प्रिया त्रिपाठी, अनुराधा पल्लवी, डॉक्टर अंकिता यादव, इस सभी ने जाती है दुकान में जांच पड़ताल करती है, देखा दाखाती है, खोएन के सैंपल भरती है और कार्रवाई करती है। हड़कंप मचा पड़ा भैया, बताया जाता है कि देखो ऐसा है, खाली घी का सीज नहीं किया हुआ है, जो दूध खराब मिला 40 लीटर भोग नष्ट करा हुआ है। बाकी आपकी कार कमेंट कर दूसरी खबर देख लो। अब देखो बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह जी बढ़िया शहर में फ्लैग मार्च करती हैं, क्या बात है भैया, बाराबंकी जनता का सुरक्षा का एहसास दिलावती है। मैंने देखा था एडी साहब भी रहा है, कोतवाल साहब भी रहे हैं, सीओ साहब भी रहे, तमाम अधिकारी और उपस्थित रहा। बाकी दूसरा खबर देख लो। अब देखो बाराबंकी जन माल इंडिया ओबीसी मंच के बढ़िया राष्ट्राध्यक्ष जी का जोरदार स्वागत कर रहा था, इनका बात है भैया, देखा तो जनाब बकदा खैरुल सलमानी जी का जोरदार स्वागत हो रहा, शमशाद आलम भी रहा है, अशरफ अली भी रहा है और देखा तो इरफान भी मौजूद रहा है, क्या बात है भैया। हम कल उन्होंने आपका दिखा दी, बाकी आपकी कार है कमेंट कर भैया, दूसरा खबर देख लो। अब देखो बाराबंकी सर के दशहरा बाग के रामलीला मैदान में बढ़िया देखा तो रामलीला चल रही है, और का भैया देखो दशानंद आवती है और सीता माँ का हरण कर ले जाती है, ऐसे में जटायु आवती है बचावे खातिर, लेकिन देखा तो रावण का वध कर देती है। हम कह लो तनिक आपका बता दी कि देखो भैया सीता माँ का हरण हो हुआ, रावण ले हुआ, बाकी आपकी कार कमेंट कर भैया, दूसरा खबर देख लो। अब देखो बाराबंकी सर के पलरी चौराहे की तरफ जैसे भैया तुम जयपुर वाली रास्ता जी हो, तुमका नाला देखा खासर मिल जी, इसमें नाले का निर्माण चल रहा है और हमका लगा था कि बहुत हाली नाले का काम भी कंप्लीट हो जाएगा, पीडब्ल्यूडी बढ़िया करवा रहा है, बहुत अच्छी तरीके से नाला बन रहा है, लेकिन साहब मट्टी कहाँ जा रही है और इमें जो सरिया लग रहा है वो तानिक हमका दुबला पुतला लागती है, वो का भैया, और हमका लगा था बहुत कम सरिया लग रही है, तुमका कहा लगा था कमेंट करो भैया। हम कह लो तनिक आपको दिखा दी कि देखो पीडब्ल्यूडी बढ़िया देखा था, बढ़िया नाले का निर्माण करवा रहा है, बाकी दूसरा खबर देख लो। अब जन्मदिन मनाने का अनोखा तरीका तो कोई आनंद अवस्थी से सीखेगा, बात है भैया, देखा तो दादी का बढ़िया अपने हाथ से मिठाई खवा होता है। हम कह लो तरीका आपका बता दें कि मामला बाराबंकी के भैया दरियाबाद के युग्राम बकदा तुरकानी का, जहां पर देखा तो
दलित बस्ती में जाया करके अनुसूचित जाति के लोगों से बढ़िया मुलाकात करती हैं, उनका अपने हाथों से मिठाई खवाती हैं, का बात है बढ़िया आशीर्वाद देती हैं। हम कल ने आपका दिखा दी कि देखो भैया आनंद बस्ती तो जन्मदिन मनाने का बहुत अनोखा तरीका निकालने का बात है, देखा तो दादी का अपने हाथों से मिठाई खाओ रहा, कहो दादी ठीक होगी ना, ठीक हो रही है, खिलखिलाती रहें, का बात है भैया। इस दरमियान देखा तो संतोष भास्कर भी दिखाई देता है और तमाम बकदा बीजेपी के पदाधिकारी उपस्थित हैं। बाकी आपकी कार्यक्रम की जगह भी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करा लो, चैनल का सब्सक्राइब करो, शंबर साजी खुबे से ऊपर मिलेगी तो बेल आइकन जरूर दबा दो।